क्या आप हमेशा से लंबे और घने बाल पाना चाहते हैं? ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हेयर ऑयल रेसिपी से अपने सारे हेयर प्रॉब्लम्स दूर करें। हम कोकोनट ऑयल को बेस ऑयल की तरह यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे आमंड, ऑलिव या कैस्टर ऑयल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हाफ कप वार्म कोकोनट ऑयल में एक टेबलस्पून भृंगराज पाउडर डालें। कुछ घंटों के लिए इन्फ्यूज होने दें और आपका ऑयल रेडी है। इसे यूज करके आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। एक टेबलस्पून राइस का आटा ले और एक कप कोकोनट ऑयल में ऐड करें। मिक्स करके इसे कुछ घंटों के लिए रखें और फिर राइस रेसिड्यू निकालने के लिए स्ट्रेन करें। ग्लास जार में स्टोर करें और वीकली यूज करें लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए। एक कप कोकोनट ऑयल गरम करें और उसमें 5 से 6 हिबिस्किस फ्लावर्स और लीव्स ऐड करें। 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन्फ्यूज होने दें और फिर ठंडा करके छान लें। स्टोर एंड यूज इट जब भी आपको सॉफ्ट एंड फ्रिज फ्री हेयर चाहिए। एक कप कोकोनट ऑयल गरम करें और ऐड करें 1/4 कप मेथी सीड्स। तब तक कुक करें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। सीड्स के साथ स्टोर करें। इसे एप्लीकेशन के पहले स्ट्रेन कर ले फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी स्कैल्प। एक कप कोकोनट ऑयल गरम करें, 2 टेबलस्पून आमला पाउडर ऐड करें। अच्छी तरह मिलाएं और 3 से 4 मिनट तक पकने दें। ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट कंटेनर में रखें। आमला न केवल बालों को डार्क करेगा बल्कि इसे हेल्दी और शाइनी भी बनाएगा। वी होप ये हेयर ऑयल रेसिपीज आपकी हेयर हेल्थ को रिवाइव करने में हेल्प करेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।